हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू साधारण डिजाइन एडिट। आज कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे 26 जनवरी का। देख सकते हैं गाइस, फुल एचडी में 26 जनवरी का फोटो एडिटिंग करेंगे। चलो चलते हैं, हम अपने पिक्सआर्ट ऐप में फटाक से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग का पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और बैकग्राउंड को बना लेंगे। चलो बैकग्राउंड को ऐड कर देते हैं, इसे रिसाइज कर लेंगे गाइस। देख सकते हैं, जितना हो सके ज़्यादा आप रिसाइज कर लीजिएगा। तो अब हम एक पीएनजी ऐड करेंगे बैकग्राउंड पे, तिरंगा का पीएनजी है, उसे हम ऐड कर लेते हैं। इसे हम फुल जूम करके देख सकते हैं, फुल जूम करके हम इसे सिंपली से अब सेव कर लेंगे। फिर से एक पीएनजी को ऐड करेंगे इस पे, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड प्रोफेशनल लगे। इस पीएनजी को भी फुल जूम करके हम इसको स्क्रीन करके सेव कर लेंगे। चलो फटाक से वो भी कर लेते हैं और सेव कर लेंगे हम इसको भी। देख सकते हैं, सेव करने के बाद हम अब अपने मॉडल का फोटो को ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं, सिंपली से हम अपने मॉडल को अच्छे से एडजस्ट करके सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, अच्छे से एडजस्ट करने के बाद सेव कर लेंगे हम इसको। सेव करने के बाद हम एक और पीएनजी ऐड करेंगे, जैसे कि कबूतर पीएनजी और तिरंगे पीएनजी को। हम अपने कबूतर पीएनजी को अच्छे से सेट कर देंगे और आ जाते हैं तिरंगे वाले पीएनजी पे। उसको भी हम अपने ऐसे पकड़ा दें हाथों में, जैसे लगे अपने हाथ में लिया हूँ। ऐसे इरेजर से मिटा देंगे उसे हल्का हल्का, जैसे लगे कि मेरे हाथ में तिरंगा है, रियल लगे। तो गाइस, अभी तक मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों को भी ऐसा एडिटिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे पीएनजी का लिंक दिया है, जाकर वहां से सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और इस पीएनजी को हम फुल जूम करके अपने मॉडल के ऊपर रख लेंगे और इसको फुल जूम करके स्क्रीन कर लेंगे इसको भी। देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। और इसको हम सेव कर लेंगे। तो गाइस, फिर से हम एक पीएनजी को ऐड करेंगे, जैसे वही है, उसको भी फुल जूम करके अच्छे तरीके से सेट करके उसका ओपेसिटी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो गाइस, अब हम अपने टेस्ट पीएनजी को ऐड करेंगे, जिस पे लिखा है जय हिंद, और उसको अच्छे से सेट करके आ जाते हैं बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, जैसे वाइट वाइट आ जाए। इसको 10 कर लेंगे हम लोग और सेव कर देते हैं। देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। हम इसको फटाक से अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। अब देख सकते हैं, सिंपली से सेव हो गया। जाते हैं हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, इसको थोड़ा सा हम रिटच करेंगे। चलो उसको भी ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, उसको भगाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, मिक्स टूल में क्लिक करेंगे, जो ग्रीन वाला है उसे फुल कर लेंगे और लूमिनस को थोड़ा सा माइनस कर देंगे। आ जाते हैं येलो वाले टोन पे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बगल वाले कलर पे आ जाएंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे, लूमिनस को प्लस कर देंगे। आ जाते हैं दूसरे कलर पे, उसको 85 लोग कर देंगे प्लस में। अब आ जाते हैं हम अपने ब्लू कलर पे, उसके सेचुरेशन को प्लस करेंगे और जो लूमिनस है उसे थोड़ा सा माइनस कर देंगे। उसके बाद से आ जाते हैं इसमें टेक्सचर जो है, इसे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा।
जो क्लियरिटी उसे माइनस करेंगे, डेज है उसे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, विंटेज को माइनस करेंगे और कुछ नहीं करना है गाइस। इसमें आके ओपन दोनों को कर देना है और सिंपली से सेव कर लेना है गाइस। देख सकते हैं कितने अच्छे से हो चुका है मेरा फोटो एडिटिंग। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।